पीएम मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की और इस दौरान पीएम ने देश को फिटनेस मंत्र दिया। मोदी ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए हेल्दी इंडिया की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। न्यू इंडिया में हर नागरिक को फिट करना सरकार का लक्ष्य है। साथ ही कहा कि आज देश की जरूरत है कि फिट इंडिया को जन आंदोलन बनाया जाए। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत पर कई रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। पीएम के सामने कई देसी खेलों का भी प्रदर्शन हुआ, जहां खिलाड़ियों कलाकारों ने कबड्डी खो खो समेत कई देसी खेलों में अपना दम दिखाया। केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला लिया है, जिसे सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी भी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए ये बात कही। इन मेडिकल कॉलेजों का 2021 से 22 तक निर्माण करा दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज उन इलाकों में खोले जाएंगे जहां अभी नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को लद्दाख पहुंचे। किसान जवान विज्ञान मेले का उद्घाटन करने के बाद राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर कब उनका था कि इसे लेकर रो रहे हैं। पाकिस्तान बन गया तो हम आपके वजूद का सम्मान करते हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन बंद नहीं होगी। सीएम बीएस येदुरप्पा ने कैंटीन बंद करने की खबर को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अनियमितताओं की जांच करेंगे। ऐसी रिपोर्ट है कि 100 लोगों ने खाना खाया और बिल 1000 लोगों को दिखाया गया। हम इसकी जांच करेंगे, हम कैंटीन को बंद नहीं करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने प्रदेश अध्यक्ष या नेता विपक्ष के पद पर दावा किया है, जिससे पूर्व सीएम सिद्धारमैया नाराज है। सिद्धारमैया डीके शिवकुमार का कद बढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं है। आखिरी फैसला हाईकमान को लेना है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में गुरुवार सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने छापेमारी शुरू की। एनआईए की टीम 5 जगहों पर छापेमारी कर रही है और इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और पेन ड्राइव जब्त किए गए हैं। हरियाणा में फरदाबाद पलवल के बीच तेलंगाना एक्सप्रेस की बोगी में भीषण आग लग गई। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ के मुताबिक गुरुवार सुबह 7:43 पर तेलंगाना एक्सप्रेस के ब्रेक बाइंडिंग में आग लग गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। जम्मू कश्मीर के मसले पर दुनिया भर में पिट चुका पाकिस्तान अब अपनी झूठी ताकत की शेखी बगार रहा है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का टेस्ट किया। माना जा रहा है कि इसी की वजह से पाकिस्तान ने अपने कराची एयर स्पेस को 3 दिन के लिए बंद किया है। मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर बताई जाती है। पाकिस्तान एक बार फिर आतंकी हमले की बड़ी साजिश रच रहा है। पाकिस्तान ने अलबदर के 45 फदायन आतंकियों के जरिए कश्मीर में हिंसा फैलाने का प्लान बनाया है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना ने आतंकी भर्ती शिविर खोल रखे हैं। खुफिया एजेंसी के मुताबिक मानसेहरा के अलबदर ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को AK-47, LMG रॉकेट लॉन्चर, UBGL और हैंड ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है।